बोल रहे थे ना हर जगह जाम लगा, देखो एक लेन बंद है उधर से पूरा जुलूस ही आ रहा है। अब इसमें ट्रक आ गया, अब कहाँ से निकले। चलो भाई आदर्श तुम्हारा पैसा लेके आया है। बहुत खुशी हुई कि आदर्श पैसा लेके आए हैं, बट जाने के क्यों भाई लखनऊ से बुलावा आ गया क्या? लखनऊ गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू योर ब्लॉग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू योर न्यू ब्लॉग। कल बताए थे ना, मतलब कल के हम तो ब्लॉग ही डालना भूल गया कल वाला। तो बस मुद्दे की बात यह है, अभी हम निकल रहे हैं अचानक से एक अचानक वाली राइड पे। सामान पूरा सेट है, ये पूरा सेट है, भाई ने जिंदा खर्चा किया है 23,000 रुपये का। DSG हो गया, बस हेलमेट एक लाल दिख रहा है, बाकी तो हरा ही है। जुगनू इधर उधर सारी तरफ दिख रहे हैं, यहाँ टैंक बैग लग गया है, एक टेल बैग लग गया और नया नया वाइजर लगाए आज। बस निकलते हैं अब आपसे, रोड पे मिलते हैं। मेरी गाड़ी में तो तेल लबालब है, बस निकलना है अब, क्योंकि रात में ये सब तैयारी कर लिए थे। और हमको रास्ते में कहीं एक जगह हैंडल भी दिखाना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है कल सही करने के बाद भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बार बार गुड मॉर्निंग की आदत हो गई है। गुड आफ्टरनून गाइस, अबे तेली तो डराना, चलो आगे। हाँ तो मैं कहाँ था, मैं था यहाँ। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग, ओ जी वेलकम बैक टू ए न्यू रोड ट्रिप। मेरे में तो तेल अभी इतना है, बहुत है, चलेगी अभी। पहले देखते हैं बॉर्डर तक चलते हैं, उसके आगे क्या सीन है, क्या करना है, फिर वहीं पता चलेगा। अभी कुछ सोच के नहीं जा रहे कहाँ जाना है, इतना भी नहीं पता है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, बस ऐसे दिमाग में आ गया कि जा रहे हैं कहीं कहीं। हमारे योगी जी इतना काम करा रहे हैं कि गोरखपुर से ही ऑफ रोड शुरू हो गया है, मतलब ही 20-25 किलोमीटर आए होंगे। आज मुहर्रम भी है वैसे, उसकी रैली निकल रही, इसलिए ज़्यादा जाम है हर जगह, बहुत तगड़ी तगड़ी रैली निकल रही है। कोई तलवार लेके घूम रहा है, कोई फरसा लेके घूम रहा है, कोई चाकू लेके घूम रहा है। रैली नहीं, हमको शस्त्र और अस्त्र प्रदर्शन वाला वो लग रहा था। खैर सबकी अपनी मान्यताएँ हैं। बोल रहे थे ना हर जगह जाम लगा, देखो एक लेन बंद है उधर से पूरा जुलूस ही आ रहा है। अब इसमें ट्रक आ गया, अब कहाँ से निकले। चल भाई ऑटो वाले किनारे कर, गलत दिन निकल गए लग रहा है। कुछ ज़्यादा ही जाम है, अच्छा हुआ इधर से नहीं आए लोग, नहीं तो और जाम हो जाता, फिर ये भी रास्ता नहीं बचता आने के लिए। चलो नहीं नहीं खुल गया, पुलिस वाले हैं, लाठियाँ चल रही हैं। अच्छा ये है वो लाठियाँ जो घुमाते हैं, नाइस नाइस। Yeah.
ये अभी तक का सबसे बड़ा देखे हम, क्या इसको बोलते हैं, तहाजिया ऐसे ही कुछ बोलते हैं। सो हियर वी आर इन फरिंदा, क्या फरिंदा 2 किलोमीटर है अभी। सोनौली के लिए हमें लेना है राइट, सीधे भी आप जा सकते हैं लेकिन वो शहर वाला रास्ता है, उधर से हम रिकमेंड नहीं करेंगे। आप आइए फरिंदा, ये है चौराहा, यहाँ से आप ले लीजिए राइट बस से बच के, और ये जाएगा बाईपास की तरफ से, मतलब खाली रोड आराम से जाके फिर आगे वाले रोड पर मिल जाता है। बाईपास वाला रास्ता सबसे अच्छा है, बस सीधे सीधे जाना है, फिर सोनौली बॉर्डर आ जाएगा, फिर आपको बॉर्डर पार करके नेपाल में चले जाना है। सिंपल एंड सिंपल। यहाँ पे टाटा का शोरूम था कहीं पे, यही जगह। दो ही गाड़ी है इस यहाँ से, कितने दिन से देख रहे हैं वही तो गाड़ी है बस, एक अल्ट्राज एक नेक्सॉन। कुछ भी कहो, टीएसी वाला गियर लगता अच्छा है, सामने आदर्श पहना एक नंबर लग रहा है, दूर से पास से उतना अच्छा लग नहीं लग रहा है, दूर से बहुत अच्छा लग रहा है। ये ग्रीन और नियॉन और ब्लैक का जो कॉम्बो है ना, एक नंबर है। अभी थोड़ा पास आगे दिखाते हैं, पता नहीं क्या बोल रहा था, एयरबैग वैग इसमें है, अब पता नहीं लिखने को तो उस पर लिखा हुआ है एयरबैग, अब वो तो गिरने पर पता चलेगा इसमें क्या क्या है। बीच में यहाँ पे एक खड्डा है, राइट से निकल लेते हम लोग। हाँ देखो अब सही लग रहा है, पतले लोगों के ऊपर डीएसजी अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा चिपका चिपका रहता है ना, इसलिए अच्छा लगता है। अब हम पहन लें तो लगेगा जैसे किसी बच्चे का मांग के पहन लिए, भले वो मेरी साइज का रहे, नहीं उतना लगता, हम थोड़े फिट ज़्यादा है ना, ये सुखंडी पतला इसके ऊपर अच्छा लग रहा है। कोई ना, इंशाल्लाह वन डे वी विल ऑल्सो बाई। 23-24 हज़ार का तो सेट है इसका, जूते ले लो तो 30,000-35,000 पार्टी हो जाएगा, उतने में हम 360 ना ले लें, वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बॉडी के ऊपर जितना आप खर्च कर दीजिए उतना कम है। सेफ्टी से कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बाकी अभी यहाँ से बॉर्डर है लगभग 35-40 किलोमीटर और होगा, 40 होगा क्योंकि 45 तो आ गए, 40 होगा, 40-42। हम लोग के घर से तो 100 पड़ता है, 100 से थोड़ा कम ही है, आधा आ गए आधा और है। हंसते खेलते बढ़िया गुनगुनाते, और लोगों का रिएक्शन इतना तगड़ा आ रहा है, मज़ा आ जा रहा है एकदम, मतलब लगभग एक महीने बाद राइड कर रहे हैं, पिछली मस्तांग वाला करके नेपाल से आए थे फिर नेपाल ही जा रहे हैं, मतलब जिसको नहीं पता हम बता दें, कुछ महीनों से हम नेपाल राइड ही कर रहे हैं, मतलब नेपाल में जितनी जगह हैं उतने को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप लोग लास्ट की वीडियो दिखा के देख सकते हैं। और अब हमारा ये प्लान है कि जो अनएक्सप्लोर जगह है उसको दिखानी है, जैसे सुंदर सुंदर कोई गांव हो गए हैं, बहुत सारे गांव हैं नेपाल में सुंदर सुंदर, वैसे तो पूरा नेपाल ही सुंदर, आप जहाँ चले जाएं वहाँ, बॉर्डर पार करते 2 किलोमीटर बाद से आपको हर जगह एकदम सुंदरता ही सुंदरता मिलेगी। पूरा एरिया जाम है भाई, पूरा सिस्टम हैंग कर दिया है, लेकिन रास्ता नहीं बंद करना चाहिए, पूरा रास्ता ही बंद कर दिए। बना लो भाई बना लो, हीरो जा रहा है, अतुल हीरो जा रहा है। ये पिछले वाले से भी बड़ा है, जो अभी पिछला दिखाए थे आपको उससे बड़ा ये वाला है। सारी गाड़ियां वाड़ियां सब रोक दे रहे हैं, एक रास्ता तो खुला है, ये जो लेफ्ट वाला रास्ता है, अगर आपको सीधा लखनऊ जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और अगर आपको गोरखपुर होके जाना है तो आप गोरखपुर होके भी जा सकते हैं, लेकिन ये वाला रास्ता बन गया है, जाने लायक है, मतलब अच्छा रास्ता हो गया है। यहाँ से आप जाइए, मतलब ये है, इस जगह का नाम है कुल्ही बाज़ार, और ये लेफ्ट वाला ये भी जा सकते हैं, लेफ्ट वाला ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से यहीं से 4 लेन है इस पर, यहाँ से आप मुड़िए सीधा आप चले जाएँगे आगे से लेफ्ट लेकर लखनऊ। हम आजकल मैप वाला काम कर रहे हैं, लेकिन चलो भाई आदर्श थोड़ा पैसा लेके आया है,
बहुत खुशी हुई कि आदर्श पैसा लेके आए हैं, बट हम लोग जाने के फेवर में। क्यों भाई, लखनऊ से बुलावा आ गया है क्या? लखनऊ से बुलावा आया है हम लोग को, जल्दी जल्दी। जान नहीं रहे किसका इंतजार कर रहा है आदर्श यहाँ बैठ के? किसका? S2 का। S2 आ रही है नेपाल भाई साहब, फिर से पाजी आ रहे हैं। यस पाजी आ रहे हैं, ये पाजी बैठे हैं। चलिए पाजी चला जाए, बताया जा रहा भाई। हाँ स्पॉन्सर साहब से मिले, मालिक स्पॉन्सर नहीं है। देख रहा भाई जिंदा 23,000 रुपये पहन के चल रहा है जिंदा। आज इसकी सिक्योरिटी टाइट है, पता चला भैया बेच के। लीजिए जल पीजिए, हैव सम जल। चलिए अभी रास्ते बेचना ही पड़ सकता है। ले सौ किलोमीटर में थक गए भाई, घोटिए अभी तो 280 किलोमीटर और जाना है। सुहाना सफर और ये मौसम ग्रीन, एक नंबर जगह है भाई। हैं ये कौन सी गाड़ी पे आ गया? R15 कहाँ गई भाई तेरी? एक्सचेंज हुई है।